आज हम लोग नियॉन लाइन टेस्टर के बारे में देखेंगे कि नियॉन लाइन टेस्टर होता क्या है और इसे किस काम में लेते हैं और ये इसका इंटरनल सर्किट कैसा होता है। नियॉन लाइन टेस्टर की बात करें तो ये हमारा फेस टेस्टिंग के लिए या फिर लाइन टेस्टिंग के काम में आता है। जैसे कि हमें पता है कि हमारे घर पे तीन तरीके के पॉइंट्स, तीन तरीके के वायर होते हैं। एक हमारा अर्थिंग का होता है, एक न्यूट्रल का होता है और फेस का होता है। तो नियॉन लाइन टेस्टर की बात करें तो इसकी मदद से हम लाइन को चेक करते हैं कि तीन पॉइंट में, तीन वायर में से कौन सा वायर हमारा लाइन का वायर है, हम नियॉन लाइन टेस्टर की मदद से चेक कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि जो तीनों वायर होते हैं इसमें से फेज और न्यूट्रल हमारे लिए किसी भी तरीके से हार्मफुल नहीं होता है, जबकि जो हमें शॉक लगता है वो हमें फेज की वजह से ही लगता है। ये भी नियॉन लाइन टेस्टर की बात करें तो अलग अलग तरीके के होते हैं। हमारा फुली इंसुलेशन है, अगर हम बात करें तो इसकी पूरी बॉडी पर इंसुलेशन चढ़ा हुआ है, जिसकी मदद से अगर हम यहाँ पर भी टच करते हैं तो इसमें शॉक लगने की संभावना कम होती है। ये हमारा सेमी इंसुलेशन है, हम जब इसमें काम करते हैं तो हमारा हाथ यहाँ पे टच होने की संभावना होती है, तो ये थोड़ा हमारे लिए थोड़ा खतरनाक होता है, हल्का सा डेंजर होता है। इसके कंपेरिजन में जब भी हम लाइन का काम करते हैं तो हमें फुली इंसुलेशन वाले सामान का यूज़ करना चाहिए, इसके लिए कर रखा। अब अगर हम इसके इंटरनल सर्किट की बात करें कि इसके अंदर एक्चुअल में होता क्या है, तो ये कुछ इस तरीके से होता है। इसमें ये हमारा मेटलिक पार्ट होता है। अगर हम सिंपल देखें, ये वाला जो पार्ट है हमारा मेटलिक पार्ट होता है इसमें। इसके बाद हमारा रजिस्टर लगा रहता है जो कि करंट के मान को कम कर देता है। यहाँ पे हम रजिस्टर की बात करें तो इसमें जो रजिस्टर लगा रहता है ये हमारा लगभग 3 किलो ओम का लगा रहता है। ये हमारा नियॉन बल्ब लगा है जिसे कि 0.5 मिली एम्पियर करेंट की ज़रूरत होती है, और ये हमारा 150 वोल्टेज पे काम करता है। इसके बाद हमारा स्प्रिंग लगा रहता है और ये हमारा कैप रहता है। स्प्रिंग की बात करें तो स्प्रिंग यहाँ पे हमारा बल्ब से जो हमारा इसका कैप रहता है, मेटलिक कैप होता है, इसके बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हम यहाँ पे स्प्रिंग लगा के रखते हैं। इसके बाद अगर हम इसके काम की बात करें कि ये काम किस तरीके से करता है, इसके इंटरनल सर्किट की बात करें तो ये कुछ हमारा इंटरनल सर्किट इसका इस तरीके से होता है। ये हमारा एसी सप्लाई है। यहाँ पे नियॉन लाइन टेस्टर की बात करें तो इससे हम एसी सप्लाई ही चेक कर सकते हैं, हमारे एसी पे ही काम करता है, डीसी। तो सिंपल हमने देखा, यहाँ से हमारा ये सबसे पहले रजिस्टर आता है, फिर बल्ब, फिर स्प्रिंग। यहाँ पे इसमें हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस भी काम करता है और यहाँ पे हमारे शूज़ और बॉडी के बीच में एक कैपेसिटेंस बनता है जिसे स्ट्रे कैपेसिटेंस कहता है। और यहाँ पे जब हम इसके पीछे हाथ लगाते हैं, अगर हम बात कर इसको चेक करते वक्त हम अगर इसे ओपन रखेंगे तो इस कंडीशन में काम नहीं करेगा। करने के लिए हमें पीछे फिंगर लगाना पड़ता है, जिससे हमारी जो बॉडी होती है वो अर्थ की तरह काम करती है, जो कि सर्किट को कंप्लीट करती है। ये नियॉन लाइट टेस्टर, हम इसको एक बार देख लेते हैं खोल के। जैसे कि हमने इस डायग्राम में देखा तो इसमें देख लेते होता कैसे। खोलते हैं, ये हमारा अंदर से कुछ तरीके से होता है। इसमें ये हमारा स्प्रिंग है, ये रजिस्टर लगा हुआ है, ये हमारा नियॉन टेस्टर नियॉन बल्ब लगा हुआ है। इसके नियॉन लाइन टेस्टर को काम करते वक्त हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम इसको एक बार खोल दें तो, मतलब जैसे हमने इसको निकाल दिया है, तो इसके बाद हमें कोशिश करना चाहिए कि इसको यूज़ ना करें हम, क्योंकि जब हम इसको एक बार खोल लेते हैं तो इसका कनेक्शन सही तरीके से नहीं हो पाता है, तो फ्यूचर में हमें ये शॉक लग सकता है। इससे थोड़ा ध्यान, इसमें हमें ये सावधानी रखनी चाहिए। अब हम इसको देखते हैं कि ये काम कैसे करता है, चेक कर लेते हैं इसको, चेक कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ये यहाँ पे 5 पिन सॉकेट लगा हुआ है। अब हम इसमें, हमें यहाँ से अगर हम ऊपर से देख के हम ये नहीं बता सकते कि इसमें हमारा कौन सा फेज़ है, कौन सा न्यूट्रल है। अर्थिंग वाला पॉइंट तो हम देख के बता सकते हैं कि ये वाला हमारा अर्थिंग का है। चेक करते हैं, सिंपली हमने स्विच ऑन कर देते हैं। यहाँ पे कनेक्ट करने पे यहाँ पे कुछ भी नहीं चेंज हो रहा है। नियॉन बल्ब है हमारा, अर्थ पे भी जैसे कि हमें पता है कि ये कुछ लाइट वगैरह नहीं जलती, पर जैसे ही हम इसको फेस पे कनेक्ट करते हैं तो आप उसमें देख सकते हैं कि ये लाइट इसमें जलती है। सिंपल से
थैंक यू सो मच।